यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या पूछा है। द पीरियड ऑफ साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x इज, इसका पीरियड बताना है। आपको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पावर इवन है इसलिए पीरियड क्या होगा, पाई बाय 2, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कॉस, कॉस 90 प्लस थीटा साइन, सेम फंक्शन रहेगा, तो पीरियड इज पाई बाय 2। वैसे भी याद रखिए, पीरियड में कभी पावर नहीं होती, जैसे पाई बाय 4, पाई स्क्वायर, ये तो हो ही नहीं सकता था, पाई बाय 4 से कन्वर्ट नहीं होता। अगर आप लॉजिकली भी देखें तो केवल एक ही ऐसा ऑप्शन था जो सूटेबल था, बाकी इसके ऑप्शन ये होते तो जरूर पाई बाय 2, पाई, ये सभी करेक्ट होते, बट हमेशा पीरियड, मैंने आपको क्या बताया था, लीस्ट लेते हैं। पीरियड मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड करने पर अगर फंक्शन का नेचर ना बदले उसे पीरियड बोलते हैं। टी क्या है, लीस्ट पॉजिटिव नंबर। तो अगर इसका पीरियड पाई बाय 2 है तो पाई, 2 पाई, सब कुछ होंगे, बट आपको लीस्ट बताना। और बाई चांस में एक ही ऐसा ऑप्शन था जो सेटिस्फाई कर रहा था, और आपको भी समझ में आता, 90 प्लस थीटा कॉस, कॉस 90 प्लस थीटा साइन, यानी पाई बाई 2 इज अ राइट आंसर। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस 2 बाय इक्वल टू लैम्डा, देन टेन एक्स माइनस वाई इंटू 10 बाय इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए, बिटसेट के पेपर से सारे एक्चुअल क्वेश्चन से लाइन से मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको खुद समझ में आएगा कि क्वेश्चन अगर आप राइट टेक्निक से सॉल्व करते हैं, सिंपलेस्ट वे में करते हैं, फाउंडेशन अच्छे से कवर करके करते हैं, आपको बनने लगेगा, राइट। और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मैथ्स में 45 और रीजनिंग में 10, ये 55 क्वेश्चन पूरे राइट करके आएंगे आप, इसमें कहीं कम नहीं होने देंगे, तो होने दूंगा मैं कोशिश यही करूंगा। और बस आपको करना ये क्या है, उसके लिए आप अपने बेस फाउंडेशन पर वर्क करो, टफ इजी को छोड़ दो, हर चीज बनेगी अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। अब देखिए, क्वेश्चन है कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस 2 बाय इक्वल टू लैम्डा, आपसे पूछा 10 एक्स माइनस वाई इंटू 10 वाई क्या होगा, इन टर्म ऑफ लैम्डा बताना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि ये कॉस में है, तो कुछ ऐसा मिलेगा, साइन एक्स माइनस वाई साइन वाई अपॉन कॉस एक्स माइनस वाई कॉस वाई, राइट। अब यहां पर अगर आपको ये फॉर्मूला क्लिक कर दिया कर गया तो एक बार में हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी। इस फॉर्मूले में हमेशा मिस्टेक होती है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, एंड नेक्स्ट 2, ये सब समझाने के लिए लिख रहा हूं, 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, राइट। अगर मैं ये अप्लाई कर दूं, यानी 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, कॉस ए माइनस बी ए माइनस बी, तो आप ऐसा लिखोगे कॉस एक्स माइनस 2 वाई माइनस कॉस ए प्लस बी, तो वाई बचेगा तो एक्स, अपॉन कॉस ए प्लस बी तो कॉस एक्स प्लस प्लस कितना हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी करेंगे तो कॉस एक्स माइनस 2 वाई, राइट। अब आपको देखिए, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस 2 वाई दिया, मतलब इसमें एक और इसमें ये बचेगा, यानी अब आप क्या कर सकते हो, सिंपल आप कंपोनेंट और डिविंडो लगा दो। आप कंपोनेंट और डिविंडो लगाओगे तो मेंटली लगाने की कोशिश करिए, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, अगर ऐसा लिखा हो, राइट। तो क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसमें आपसे बोलूं कि इक्वल टू कंपोनेंट और डिविंडो लगाओ, क्योंकि इस फॉर्म में बनाना है आपको, या ऐसा सोच लीजिए कि यहां पर आप कंपोनेंट और डिविंडो लगा रहे हो तो आपसे हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू रखनी है। तो अगर मैं बोलूं यहां लगाओ, तो आप ऐसा लिखते कॉस एक्स प्लस, पहले होता क्या वो बता दूं, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो जब आप ये लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, ये जैसे ही आपने लगाया इसमें, तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी कैसे, देखिए cos x प्लस cos x माइनस 2 y अपॉन cos x माइनस cos x माइनस 2 y इक्वल टू लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा माइनस 1। अब जरा ध्यान दीजिए कि यहां पर ये माइनस है और ये प्लस वाला नीचे, तो मैं इसको माइनस कॉमन लेके ऐसा भी तो लिख सकता हूं, कॉस एक्स माइनस 2 वाई माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 2 वाई, रेसिप्रोकल भी किया और माइनस भी किया, 1 माइनस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, देन दिस इज द 1 माइनस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, देन दिस इज द राइट आंसर। कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो, क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व होगा, राइट। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कॉस ए कॉस 2 ए कॉस 4 ए अप टू कॉस 2 की पावर एन माइनस 1 इंटू ए, ये सीधा सीधा प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान हो तो जेई मेंस में भी इस तरह का क्वेश्चन अभी भी आया था क्वेश्चंस में। अब इसको अगर मेथड से पूरा करना है मेथड से कर सकते हैं, चाहे तो आप वैल्यू लेके कर सकते हैं, कि सपोज आपने एन की वैल्यू 2 ले ली, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 है, साइन 4 है अपॉन 4 साइन है। बस जब भी कोई वैल्यू ले तो ये चेक कर लीजिए कि कोई दो ऑप्शन मैच तो नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। यहां लिया तो 4 हो जाएगा, यहां पे लिया तो 4, यहां पर 4 हो जाएगा, यहां 4 नहीं है, इसका मतलब आप चाहें तो n की वैल्यू 2 ले सकते हैं। अगर आपने n की वैल्यू सपोज 2 ली होती
मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा। तो यहां पर 2 माइनस 1 रखते तो 2, तो आपको केवल इतना मिलता cos a into cos 2a। और याद हो इस क्वेश्चन में एक ही तरीका होता है, साइन का मल्टीप्लाई साइन का डिवाइड। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, ये साइन 2a हो गया, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो फाइनली साइन 4a अपॉन 4 साइन a, दिस इज द राइट आंसर। बाकी इस पूरे क्वेश्चन का आपको रूल पता है कि साइन का मल्टीप्लाई करिए साइन का डिवाइड करिए, इससे साइन 2a, 2 का मल्टीप्लाई, फिर 2, फिर 2, फिर 2, n तक जाओगे, इसलिए आपको मिलेगा साइन इंटू 2 पावर n a अपॉन 2 पावर n इंटू साइन a, क्योंकि हर बार नीचे 2, 2, 2, 2 का डिवाइड करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक दिस। क्लियर है बात? फिर समझिए ये क्वेश्चन क्लास में, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो चीज मैंने आपको फाउंडेशंस कोर्स में पढ़ाई है, जो आपके पास कोर्स है उसमें हर वो चीज कवर है जो एग्जाम्स में आई हुई है, कोई चीज नहीं छूटी हुई होगी। अब देखिए यही है, क्या करना है, साइन ए का मल्टीप्लाई साइन का डिवाइड, फिर 2, 2 ये लगा दिया, फिर ये साइन 2a बना, फिर 2, 2 फिर साइन 4a हो गया, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। स्टेप्स कम से कम लिखना, अलग जाके नहीं लिखना भाई, सर्कल बना के सॉल्व करो, टेक्निक्स डेवलप करो। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का है, इफ 3 cos x नॉट इक्वल टू 2 sin x देन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin square x माइनस cos 2x इक्वल टू 2 sin माइनस sin 2x। इसका कुछ मतलब है, कोई भी चीज पेपर में कभी भी दी होती तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अब देखिए अगर ये देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, सबको एक फॉर्म में बना लूं तो लाइक 1 माइनस इसको लिख सकते हैं cos square x माइनस 2 cos square x प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस 2 sin x cos x, राइट? 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया माइनस 3 cos square x प्लस 2 sin x cos x इक्वल टू 0। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, cos x कॉमन ले लें, माइनस cos x कॉमन ले लें, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां मिलेगा 3 cos x माइनस 2 sin x। अब एक चीज समझिए, cos x इक्वल टू 0 और 3 cos x माइनस 2 sin x इक्वल टू 0, बट यहां पर एक चीज गिवन है, 3 cos x माइनस 2 sin x नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये 0 नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यही 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्योंकि इससे भी सॉल्यूशन निकलते, बट मेंशन था। अब cos x इक्वल टू 0 यानी cos x कब 0 होता है, जब x की वैल्यू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 हो, या 2n की जगह 4n लिख दें तो भी चलेगा, प्लस माइनस लिख दें तो भी चलेगा। देखिए n की वैल्यू 0 रख दें तो पाई बाई 2 मिला, 0 हो जाएगा, n की वैल्यू 1 रख लीजिए 5 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, यानी 2a। ये एक्चुअल फॉर्मूला पढ़ा आपने, पर ये भी आप लगा सकते हैं, ये भी हर एक एंगल को सेटिस्फाई करेगा, राइट? नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए सी प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू। अब देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, इसके ऑप्शन ढंग से दिए हैं, आप वैल्यू लेके भी कर सकते हैं जो बताया, पर उससे भी जल्दी हो जाएगा। आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी होता है 2s, इसका मतलब ये है 2s, बी प्लस सी को आप लिख सकते हैं 2s माइनस ए, तो ये हो गया 2s माइनस 2a, 2s माइनस 2b, यस और नो, 2s माइनस 2c अपॉन अगर आप देखें तो 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट? अब अगर एक चीज ध्यान दें आप यहां पर अच्छे से कि ये 2, 2, 2, 2 यानी कितने टाइम आ रहा है, अगर कॉमन ले ले तो 8 टाइम, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ऐसा मिलेगा 4 टाइम्स ऑफ, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी लिख लीजिए, इसके साथ लिखूं, और यहां पर लिख सकता हूं मैं s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। क्लियर है बात? अच्छा यहां पर 8 आया था, सॉरी हाँ, तो 4 बचेगा, ठीक है, 2 कॉमन लिया आपने, एक्चुअल में 2, 2, 2, 2 यानी 16 टोटल आया, तो 4 बचा। अब s इंटू एस माइनस ए क्या होता है, दिस इज cos स्क्वायर ए बाई 2, क्योंकि cos ए बाई 2 में अंडर रूट आता है, यहां पे अंडर रूट नहीं है, और ये बचा, ये साइन हो जाएगा, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई 2, और 4 भी है, इसका मतलब आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 2 साइन ए बाई 2 cos ए बाई 2 का होल स्क्वायर, दिस इज साइन ए का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए इज अ राइट आंसर। यानी क्वेश्चन कितना अच्छा था, समझने वाला क्वेश्चन था, अगर आप लॉजिकली स्ट्रांग हो तो आप कितनी इजीली कर सकते थे, ए प्लस बी प्लस सी की जगह 2s रखा और ये क्वेश्चन आपने इजीली ब्रेक कर लिया। बस क्वेश्चंस को देखना है, कंसेप्ट को याद करना है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। नोट कर लीजिए,